सभी मतदाताओं को मतदाता भत्ता देगी राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश वाराणसी। राष्ट्रीय समानता दल की कार्यकारिणी की बैठक कैंप कार्यालय मलुआडीह वाराणसी में राष्ट्रीय महासचिव वाईबी सिंह की अध्यक्षता में की गई। मैं जयप्रकाश प्रजापति आज बाबा विश्वनाथ की धरती से राष्ट्रीय समानता दल की कार्यकारिणी के बैठक में मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से परिचय देते हुए पूछना चाहता हूँ कि आज की कार्यकारिणी की बैठक में आप लोगों ने क्या मन बनाया है। मैं मोतीलाल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल। आज हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें विगत दिनों हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव एवं आगामी 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा देश के लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और उम्मीद अभी तो ये पहला सत्र खत्म हुआ है, दूसरा सत्र अभी फिर से दोबारा होगा अभी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय समानता दल की क्या भूमिका होगी, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग करेंगे। और जो राष्ट्रीय समानता दल की विचारधारा है कि गरीब को भरपेट भोजन, तन भर कपड़ा, रहने के लिए छत की व्यवस्था और सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार मिले और देश में समानता का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, उस तरीके से देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले, इसकी लड़ाई राष्ट्रीय समानता दल हमेशा लड़ा है और आने वाले समय में अपने जो भी संसाधन है उनसे लड़ने का प्रयास करेगा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। क्या आप मध्य प्रदेश का जो चुनाव 2023 में लड़ेंगे, क्या अकेले दम पे लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ मिल के लड़ेंगे? देखिए, अभी तो है कि हम लोग अकेले लड़ेंगे और उस समय काल समय परिस्थिति के अनुसार जैसा होगा, हमारी तैयारी तो रहेगी कि अकेले चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हम ये नहीं, राष्ट्रीय समानता दल ये नहीं चाहता है कि जो यथास्थितिवादी लोग हैं वो जो चाहते हैं तो जो विकेंद्रीकरण वोटों का न होने पाए, एकजुटता रहे यथास्थितिवादी को हराने के लिए। सबका समाधान संविधान है। आपको फंडामेंटल राइट में, माने पूर्ण अधिकार में लिखा कि आपको जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार छोड़ दिया उन्होंने डिडक्टिव ट्रिपल से, देश के निर्धारित नियम तक ही तोड़ दिया। स्टेट बनेगी तो क्या काम करेगा? स्टेट जब बनेगा तो क्या काम करेगा? उसको एकदम किसी ने आज तक काम नहीं किया। वो कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। वो कहता है कि देश की संपत्ति देश की है, इसका बंटवारा समानुपातिक होना चाहिए और इस बंटवारा करते समय देखना होगा किसी के पास संपत्ति ज्यादा इकट्ठा न हो जाए फिर तुरंत तकलीफ पहुंचाने के लिए। यह सिद्धांत था देश की संपत्ति का बंटवारा करने का, क्यों लिखा गया? अगर देश की व्यवस्था सही होती, अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था जो अभी तक चल रही है, वो क्यों कहते हैं कि व्यवस्था बदल दो? सबसे पहले कदम उठाया तो उन्होंने 38 में लिखा कि वर्तमान आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, इस व्यवस्था को बदलना होगा। और व्यवस्था कैसे बदलेगी उन्होंने 39 में लिखा, कहीं छोड़ा नहीं उन्होंने कलम से, भाई को आपको सोचना पड़ेगा।
लेकिन आपने कभी सोचा नहीं, कभी आपने अपने अधिकारों को मांगा नहीं कि हमारा हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो, हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, संपत्ति का बंटवारा क्यों होना चाहिए। जब देश के अंदर करेंसी है, जब एक देश का बंटवारा करोगे तब इसके बाद तुम जो है सबको उसका हिस्सेदारी दे सकते हो। एक देश के पास जो होगा न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपये देती है तो अधिकतम मजदूरी 1,00,000 रुपये, 10 गुना कर दो, 10 गुना 1,00,000 से ज़्यादा जितने ही बढ़ पा रहे हैं 5,00,000-10,00,000 दे रहे हैं। प्राइवेट में 10,000 से लेकर के 40,00,000 तक का करोड़ तक अंतर है, आज भी तनखा है, ये अंतर कैसे चले। सबको एक और 10 में बांट दीजिए, बाकी पैसों का लोगों को बांट दीजिए, सबको मिल जाएगा पैसा, सारे नौजवान स्त्री पुरुष को पैसा मिल जाएगा, कोई भी रोजगार नहीं रहेगा, किसी को भी कम संपत्ति नहीं मिलेगी, कम से कम 20,00,000 का आधार साफ बनन पर। और आपके सच भी है, किताबों को पढ़ने से अगर आप कोई गलत किताब पढ़ लेते हैं, कोई गलत सिद्धांत ले सकते हैं, तो आपका विचार वैसा ही होता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति का अपना जो अध्ययन है, अपना जो देखने सुनने से पढ़ने से जो विचार बना चुका है, उसमें अंतर होने की वजह से एक दूसरे से भिन्नता रहती है और एक दूसरे की कदर नहीं करते करते जब ज़्यादा जाते हैं तो कम जाते हैं। तो इस तरह से समाज में जो एकता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसीलिए जब समाज निर्माण की बात आती है, उस निर्माण में यह देश का संविधान, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का स्टेट के जितने भी आप देख रहे हैं ब्रांचेज, यह सब संविधान की वजह से, भारतीय संविधान ने व्यवस्था किया है, यह हमारा सबसे सुप्रीम कानून है। और उस सुप्रीम कानून का आपको ज्ञान नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसमें आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा में स्पीच देते हुए कहा था अपने मरने से पहले कि मैं चाहता हूं कि कोई अम्बेडकर पैदा हो जाए, कि मेरे मरने के बाद इस संविधान को देश में लागू कर दे, नहीं तो यह लागू नहीं हो पाएगा, ये किताब बन करके रह जाएगी। और आज यही हो रहा है। प्रदेश में हमारा संगठन भी है, शिकायतें बहुत होती है, बहुत तरह के तमाम खामियां हैं, लेकिन उन सभी खामियों पर हम लोग ध्यान दें तो संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा। हम लोग मुद्दे की बात करें, आने वाला समय जो जिस प्रदेश में चुनाव है, उस चुनाव का कैसे बेहतर रूप से हम लोग आगे बढ़ा सके, इस पर चर्चा हो तो हमारे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश में किस तरह का संगठन रहा है, जहां तक मैं जानता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैं सुना हूं और सभी प्रदेश के अध्यक्षों से मैं सुना हूं, जानता भी कुछ इस तरह से मैं शुरू से जुड़ा हूं, जो जानकारी है। तो प्रदेश मध्य प्रदेश के लेकर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होनी चाहिए, इसमें कैसे हम लोग तन मन ढंग से चुनाव करें। राहुल जी ने कहा, भैया ने भी कहा, बहुत तरह की समस्याएं थी, सब में जज्बा है, कुछ धन का इकट्ठा है, कुछ संगठन की समस्याएं हैं, लोग समय देना चाहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। लेकिन जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है यदि किसी को प्रभारी बना दे और उसको समय पर टाइम टू टाइम उसको निर्देशित करते रहे, टाइम टू टाइम उसे अपने जो जवाबदेही मिली है उसका क्वेश्चन आंसर करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और बिना किसी को प्रभारी बनाए हुए, किसी को जवाबदेही के लिए कोई भी संगठन नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो प्रश्न हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होती रहती थी कि आज का कार्यक्रम कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है, भूखे प्यास
खासतौर सब कुछ किया, परिणाम को भी हो बात की बात है, गलतियां होती है, सबका निर्णय होना चाहिए। संगठन में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ निर्णय स्वयं लेना पड़ता है, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं। बाकी अभी आज के बाद जो हम लोग संगठन बनाए हैं उसमें एक कार्यकारिणी हो, चुनाव का एक कमेटी हो, चुनाव के बारे में डिसीजन ले राष्ट्रीय कमेटी, उस पर प्रदेश के बारे में डिसीजन ले राष्ट्रीय कार्य समिति के बारे में डिसीजन ले, लोकसभा के बारे में डिसीजन ले, ये सारी तरह की कमेटियां होंगी। भाई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, केवल चार राज्य के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ लोग हैं और राज्यों से आए हैं, तो सब लोग पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोग ही अपने गृह में झांक ले कि हमने कितनी बार कहा है कि भाई आप अपने राज्य से कम से कम 10-10 लोगों का नाम तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे एक साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुआ तो सबको बुला करके तब गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार लोगों को फोन किया गया कि आइए आइए लखनऊ में बैठा जाए बैठा जाए बैठा जाए। रामवीर जी भी एक रोज गए थे लखनऊ में, एक दिन लखनऊ में रहे और पता चला कि नहीं साहब हम तो जा रहे हैं। अरुण जी सारी बात को कहे तो अरुण जी से कहा गया कि आइए लखनऊ में आइए लखनऊ में, तो कहे साहब अभी समय नहीं है। हम और प्रदेश अध्यक्ष 2 महीना तक लगातार लखनऊ में रहे, ठीक है किन परिस्थितियों में गठबंधन हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी का भी लोगों ने सही ढंग से। इस अवसर पर संजय दीप कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, परमानंद सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बिहार, महेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री राम सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के द्वारा मजबूती के साथ दल को आगे बढ़ाने के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही 2023 में मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री ने विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों एवं जिला अध्यक्षों तथा सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के एजेंडों को घर घर तक पहुंचाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी ने भारत के सभी मतदाताओं को मतदाता भत्ता, आओ सामाजिक न्याय का देश बनाए, नौकरी के आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को निशुल्क आवेदन पत्र भरने की सुविधा एवं परीक्षा स्थल तक आने जाने का यात्रा भत्ता पार्टी का मूल सिद्धांत है। बैठक का संचालन प्रदेश महासचिव सरदार कन्हैयालाल प्रजापति ने किया। वाराणसी से G72 न्यूज के लिए जयप्रकाश प्रजापति।